अब तक आपने देखा, अपने अबू और भाई के बीच जंग को रोकने के लिए गजनी की ओर निकली रजिया और चंदा बंदी बना ली जाती है और उन्हें काबरान मंडी में बेचने के लिए लाया जाता है। दिल्ली में शाह तुर्कन मुल्तान चिट्ठी भेजकर कुतुब बेगम को गुमराह करने का मंसूबा बनाती है। हमारी शादी आपके अब्बू से हो ना हो, लेकिन ये खबर मुल्तान पहुंच जाए तो फिर क्या हो। उधर अल्तुनिया सिक्का उछालता है और फैसला लेता है कि वो रजिया को बचाने नहीं जा पाएगा। ये सिक्का हमें इशारा कर रहा है कि हम अपनी राह पर जाएं। और यहाँ मंडी का सरदार मारूश रजिया का सर कलम करने के लिए उसे कैद कर देता है। अब आगे तुम्हें क्या लगता है, तुम बच जाओगे? नहीं, हम सब बेमौत मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तुम भी नहीं, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं, तुम। रजिया! क्या पता रजिया? इतनी घबराई हुई क्यों? आप ठीक है? पानी पीजिए आप ही। अम्मी, अम्मी रजिया। रजिया? रजिया को क्या हुआ कुतुब? बोलो। अम्मी, रजिया पे जरूर कोई मुसीबत टूट पड़ी है, वो जरूर किसी मुश्किल में है। तसल्ली रखो कुतुब, रजिया को कुछ नहीं होगा। तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है और कुछ नहीं? नहीं अम्मी, हमारा दिल कहता है रजिया ठीक नहीं है और अभी तक उसके दिल्ली पहुंचने की भी खबर नहीं आई है। आपको किसने बोला कि पैगाम नहीं आया? हम ही भुलक्कड़ हैं, हम आपको बताना ही भूल गए। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जो कि पैगाम लेके आओ। ऐसा थी रजिया, हमें माफ कर दीजिएगा। हमें जितना गुमराह कर सकते थे हमने किया, पर अब ये सच कि आप दिल्ली नहीं कसनी गई हैं, सबके सामने आ जाएगा। अपने आप को संभालो कुतुब, ये बहुत नाजुक दौर है। एक माँ होने के नाते हम तुम्हारे जज्बात समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी कुतुब। नानी जान, सच बोले तो हमें भी रजिया की बहुत फिक्र हो रही है। वो घर से पहली बार बाहर निकली है और वो भी अकेले। पता नहीं, हमारे जहन में बार बार बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। लेकिन क्यों शाजिया, सुल्तान क्वाचा ने एक पूरा जंगी दस्ता भेजा है रजिया की हिफाजत के लिए। हम आपसे ये पूछने आए थे कि शहजादी रजिया की कोई खबर आई? खबर आएगी भी तो कैसे, हम किसी को भेज ही नहीं पाए। तेरा लाख लाख शुक्र, तू रजिया सही सलामत पहुंच गई। अल्लाह निगेबान आपी, रजिया खैरियत से है। नहीं, आपने तो हमारी जान ही सुखा दी थी। सुल्तान, तुम बस ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्या हुआ कुतुब, सुल्तान ऐसा क्या नहीं करेंगे? अम्मी, सुल्तान अल्तुमश शाह तुर्कन के साथ निकाह करने वाले हैं। जब शहजादी दिल्ली गई ही नहीं तो फिर ये झूठा पैगाम कहाँ से आया? जरूर कोई गड़बड़ है, हमें शहजादी को इत्तला करनी होगी। उन तक ये पैगाम किसी भी हालत में पहुंचाना होगा।
हमने सुना है मारूश ने तुम सबको यहाँ इसलिए कैद किया क्योंकि तुम सब ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। वाकई बड़ी बहादुर हो तुम सब। माने हम और तुम सब में ऐसी कोई बात तो है जो उसने हमें यहां अकेले कैद किया। जानती हो हम और चंदा छोटी छोटी बच्चियों को रिहा करने में कामयाब हुए। तुम बताओ तुम सबने क्या किया। बोलो तुमने ऐसा क्या किया जो उसने तुम्हें यहां कैद करके रखा। बोलो तुम बताओ तुमने ऐसा क्या किया। कुछ बोलो कहो तुमने ऐसा क्या किया। इतने खौफजदा हो चुकी हो तुम सबकी उम्मीदें ही मर चुकी हैं। पर हम ना उम्मीद नहीं है। ऐसे मरना हमें बिल्कुल गवारा नहीं। हम तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। राजकुमारी ये तो वही पागल लगता है जो हमें जंगल में मिला था। चंदा लगता है ऊपर वाले ने इन्हें यहां हमारी मदद के लिए भेजा है। जनाब जनाब हम आपसे बात कर रहे हैं सुनिए। देखिए सरदार मारुश ने हम सबको यहाँ कैद करके रखा है और वो एक एक करके हम सबकी जान ले लेंगे। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं कुछ भी करके बस हम सबको यहाँ से बाहर निकालिए। वो जो पहरेदार है ना उनके पास इस दरवाजे की चाबी है। अगर आप बस वो चाबी ले आते तो प्राण पखेरू उड़ जाएंगे पंछी कैद में मर जाएंगे। वो जो मंडी का ब्रान है औरतों का जिंदा कब्रिस्तान। कोई नहीं बचेगा बचेगा न कोई नामो निशान। सूरज डूब जाएगा चंदा फिर ना आएगा। होशियार होशियार मौत कर रही है तेरा इंतजार। देख उधर लड़की को देख वो तबाही है बर्बाद कर देगी तुम्हें। बचेगा ना मंडी का ब्रांड ना कोई नामो निशान। चल जला बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कहाँ गई तुम्हारी सारी उम्मीद सारा हौसला आखिरी दम तक लड़ने का। तुम भी नहीं बचोगे कोई मदद करने नहीं आएगा यहाँ।
लड़की को बचा ली थे ना। कौन सी लड़की? उस लाल तावीज वाली लड़की को जिसने अपने जान पर खेलकर हमारी मदद की है और हमें उन गंदे लोगों से बचाया। आप फरिश्ते हो तो वो भी एक परी जैसी है। अगर एक फरिश्ता एक परी को नहीं बचाएगा तो और कौन बचाएगा? मियां बहुत ही घटिया किस्म के फैसले लेते हो तुम। तुम्हारे सीने में तो दिल है नहीं, लेकिन हमारे सीने में दिल जरूर धड़कता है और वो हमसे कह रहा है कि हमें उस लड़की को बचाने जरूर जाना चाहिए। और कैसे? तुम लोगों ने ऐसी क्या गलती की थी कि तुम्हारे अब्बू तुम पर इस तरह से चीख रहे थे? वो हमारे अब्बू नहीं थे, उन्होंने हमें जबरदस्ती पकड़ रखा था और हमें कपड़ान मंडी बेचने वाला था और भक्तावर नाम का साहूकार हमें खरीदने आने वाला था। अगर हमें मंडी काबरान पहुंचना है तो उस भक्तावर नाम के आदमी को खोजना पड़ेगा जो बच्चियों को खरीदने मंडी जाने वाला है। कहां मिलेगा इनाम रात भक्तावर? पर देखो अपनी पूरी जान लगाकर हमसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। पूछो क्यों? अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो इस कीड़े को भी पता है कि ये मरने वाला है, पर इसे ये भी पता है कि अगर ये लड़े शायद इसकी जिंदगी बच जाए। इसी उम्मीद में वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को छुड़ाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। देखो इसे, देखो। तो क्या हम सब क्या इस कीड़े से भी गए बीते हैं? हम जानते हैं कि हम औरतों को बचपन से यही सिखाया गया है कि हम कमजोर हैं, पर क्या हम सब मिलकर उस हैवान मारूज के खिलाफ लड़ नहीं सकते? ना उम्मीद मत हो, मौत के डर से मायूस भी मत हो। मौत तो एक दिन हम सभी को आनी है, तो क्यों ना हम लड़कर उसका सामना करें। कम से कम हम सबको ये मलाल तो ना होगा कि हम सब एक कायर की मौत मरे। क्या है? मियां क्या आप ही का नाम बख्तावर है? काम बोल, काम। हमने सुना है बहुत बड़े सौदागर हैं आप, बच्चियों की अच्छी कीमत देते हैं। चुपचाप रास्ता ना आप, वरना बेमौत मारा जाएगा। अमा खफा क्यों होते हो यार? हमने सोचा मखमली सी लड़कियां हैं, अच्छी कीमत मिल जाएगी, पर अगर आपको ना पसंद है तो फिर आप अपने रास्ते जाओ और हम अपने रास्ते जाते हैं। अच्छा रुक, कहाँ है लड़कियां? मियां लड़कियां थोड़ी जंगली किस्म की हैं, काटने को दौड़ती हैं,
इसीलिए उन्हें जंजीर से बांध के उन झाड़ियों के पीछे रखा हुआ है। देखना चाहेंगे आप? कहाँ है लड़कियां? यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। अजीब इत्तेफाक है मियां, हमें भी कोई नजर नहीं आ रहा। ये क्या है? ये वही लकड़ी है जिससे हमने उन लड़कियों को बांधा था। अब इसका क्या करोगे? इसका हम सोच रहे हैं कि हम इससे आपको बेहोश कर दें। हमारी बात गौर से सुनो, यही वो टीला है जहां पर सरदार मारूश लड़कियों का सर कलम करता है। इस समय तक हम सभी के हाथ बंधे होते हैं। जैसे ही पहली लड़की की बारी आती है, उसके हाथों को खोल दिया जाता है। फिर कुछ देर के लिए उसका पहरेदार अपने सारे हथियारों को नीचे रखकर उस लड़की को लेकर चला जाता है। यही मौका है सनोबर, इस समय तुम जितना तेजी से हो सके वो सारे हथियार अपने कब्जे में कर लेना। और चंदा, तुम इस समय सभी लड़कियों की हाथों की रस्सियां काट दोगी। फिर जो कोई भी लड़की गिरफ्त में होगी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पहरेदार को जोर से ऊपर से धक्का देगी। तब तक बाकी की लड़कियों की हाथों की रस्सियां भी कट चुकी होंगी, और इससे पहले कि सरदार मारुश को कुछ भी समझ में आए, हम सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे। हम 20 से 25 हैं और वो सिर्फ एक, तो क्या लगता है, क्या हम कामयाब होंगे? हाँ बिल्कुल, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, बस एक बात का डर है, अगर हमसे जरा सी भी चूक हो गई तो सरदार मारुश हमें बहुत बुरी मौत मारेगा। तुम्हारी बात सही है, पर अगर हम सबको मरना ही है तो क्यों ना लड़कर मरे। एकदम सही कहा आपने, हम सब आपके साथ हैं। तो क्या हम सब तैयार हैं सरदार मारूश से लड़ने के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। शहजादी रजिया, कोई है जो बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली से किसी ने आपके नाम से खत लिखा है कि आप वहाँ खैरियत से। खत में ये पैगाम भी था कि आपके अब्बू सुल्तान अल्तमश शाहतुर्कन से बहुत जल्द निकाह करने वाले। या अल्लाह, शहजादी तक ये खत पहुँचा दे। अल्लाह रखा, आज तुम्हें बहुत ऊंची उड़ान भरनी, तुम्हें किसी भी सूरत में शहजादी तक ये खत पहुँचाना ही पड़ेगा। या अल्लाह, शहजादी तक ये खत पहुंचाना चाहिए। मंडी कब्रान, अंदर जाने से पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये लोग बख्तावर को जानते भी हैं या नहीं। कोई है हमारी मेहमान नवाजी के लिए? ए, कौन हो तुम? तुमने हमें नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? माशाअल्लाह, इससे बेहतरीन बात तो हो ही नहीं सकती। क्या बकवास कर रहे हो? मारुश कहाँ है? हमें उससे फौरन मुलाकात करनी है। मारुश नहीं, सरदार मारुश का हो, जरा अदब से नाम लो हमारे सरदार का, वरना इधर ही दो टुकड़ा कर देंगे। बदतमीजियां ना करो मियां, बदतमीजियां मिर्जा, मतलब
हमें पसंद नहीं है। चाहे तो अभी तुम्हें तुम्हारी औकात बता दे, पर हमारे पास वक्त नहीं है। जाओ कहो मारुष से ये बख्तावर आया है। बख्तावर? माफ कीजिएगा जनाब, आज तक सरदार मारुष आपसे मिल नहीं पाए, फिर हम आपको कैसे पहचानेंगे? हम तो वो छोटे आदमी है, खता हो गई। आइए जनाब आइए। इसका मतलब यहाँ बख्तावर को कोई नहीं पहचानता, मेरा काम हो गया। तो ये है सरदार मारुष, किसी भी तरीके से मुझे उस लड़की को इससे बचा कर निकालना ही होगा।